मेरा पूजा का सामान रेडी है और थाली भी तैयार कर लिया है मैंने। हेलो, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, जरूर बताइएगा। तो मैं थाली पूरा तैयार कर चुकी हूँ, इसको ढक देती हूँ और अपन अब चलते हैं पूजा के लिए। कैसा लगा आप सभी को ये ड्रेस, बताइएगा जरूर। तो ये हमारी पूजा की थाली हो गई, इसको मैं ढक दे रही हूँ। चलते हैं पूजा के लिए, स्वाति भी आ रही है, बस निकलते हैं। तो हम लोग पूजा की शुरुआत बस करने ही वाले हैं, आपको दिखा दो, सब बैठ गए हैं। दादी जी दीपक जला रही हैं, अभी दिया जला रही हैं। हो गया, अब शुरुआत करेंगे। गणेश जी की कहानी। एक छोटा छोरा अपने घर में खेलने गया, रास्ते में गणेश जी मिले। गणेश जी बोले, छोरा कहाँ जा रहा है? मेरी माँ से लड़ाई हो गई है, मैं गणेश जी के पास जा रहा हूँ। तो जाते जाते जंगल में चला गया। गणेश जी ने सोचा, ये तो मेरे नाम से जा रहा है, इसे कुछ होगा तो मैं अपना नाम खराब हो जाएगा। गणेश जी ने बालक के रूप में घर गए। गणेश जी बोले, छोरा कहाँ जा रहा है? विधायक जी से मिलने जा रहा हूँ। गणेश जी बोले, मैं ही विधायक हूँ, मैं तो नहीं मानू, तुम विधायक हो, कुछ भी मांग ले, मैं क्या मांगू, तू मांगे जो ही मांग ले, पर एक बार मांग ले, पलंग निवार को, पोछो गजराज को, दाल भात गवा के, फल के ऊपर मुट्ठी खांड की, फरसन वाले ऐसी मांगू जाने फूल गुलाब को। विधायक जी बोले, छोरा तू सब कुछ मांग लिया, ऐसा ही हो जाएगा। छोरा घर घर आया, देखो तो एक छोटी सी बिल्ली पलंग पर बैठी है, घर में धन हो गया है। लड़का अपनी माँ से बोला कि माँ, विधायक जी से कितना दिया? माँ खूब खुश हुई और विधायक जी जैसे मेरे लड़के को धन दिया, कहने सुनने वाले को भी अपने सारे परिवार को धन देना। कार्तिक करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार के सात बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन के साथ रहकर खाना खाते। कार्तिक रखते ही करवा चौथ आई। भाई अपनी बहन से बोले, आ बहन खाना खा ले। बहन बोली, आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, चांद देखकर खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा, अगर आज तो हमारी बहन भूखी रह जाएगी, इसलिए अपने भाई का दिया लगाया। एक भाई चलनी लेकर टीले पे चढ़ गया और चलनी से चांद दिखाया। भाई बोले, बहन चांद उग आया है, अर्घ दे ले। बहन बोली, आओ भाभियों अर्घ दे लो। भाभियां बोली कि नंद जी, अभी तो आपका ही चांद उगा है, हमारा तो रात को उगेगा। बहन अर्घ देकर भाइयों के साथ जीने बैठी। पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे में छींक आ गई, तीसरे ग्रास तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया। वो कपड़े निकालने लगी थी, सारे कपड़े सफेद ही निकले। माँ बोली, तेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा।
माँ ने उसे सफेद कपड़े पहनने को दिए, हाथ में सोने का रुपया दिया और कहा जो तुम्हें पूरा आशीर्वाद दे उसे ये सोने का रुपया दे देना और पल्ले में मोड़कर गांठ बांध दे देना। वो आगे गई तो उसे पूरा आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। एक छोटी सी नंद पाल्ले में सो रही थी, बोली सीधी हो सुपुत्री हो, सात कुत्तों की माँ हो, थारा अमर सुहागो। उसने सोने का रुपया नंद को देकर पल्ले में गांठ बांध दी और घर गई तो रोना फूटना लगा था, उसका पति मर चुका था। वो बोली मैं तो अपने पति को जलाने नहीं दूंगी, मैं इसके साथ जंगल में रहूंगी। नंद रोज उसको जंगल में खाना दे आती, जब गजती दौड़ती माही चौथाई, करवा ले सात भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। माता वो मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे, मुझे मेरा सुहाग देना पड़ेगा, मेरे लिए से तो बड़ी वैशाख की चौथ आएगी, उसके पैर पकड़ लेना। वैशाख की चौथ आई, उसने उसके पैर पकड़ लिए। चौथ माता बोली छोड़ पापी मेरे पाँव। वो बोली माता वो मेरे भाई नहीं, पिछले जन्म के बैरी दुश्मन थे, आप तो मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। मुझसे बड़ी भागने की चोट आएगी, उसे पाँव मत छोड़ना, अगर उसके पाँव छोड़ दिए तो तुझे कहीं जगह नहीं हुई है। भागने की चोट आई, करवा ले भाइयों की प्याई करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। उसने माता के पैर पकड़ लिए, छोड़ पापी मेरे पैर पकड़ने लायक नहीं है, हे माता वो मेरे भाई नहीं पिछले जन्म के दुश्मन थे, आपको बताना पड़ेगा मैं क्या करूँ। माता बोली तुझे इतनी शिक्षा कौन दे गया, माता मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, आप ही बताओ मैं क्या करूँ। तब माता बोली मेरे से बड़ी करवा चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना, वो जो कहे मंगवा ले, बस सामान मंगा लेना, बेस और सारे सुहाग का सामान लेना। दूसरे दिन नंद रोटी देने आई, वो बोली नंद जी काजल मेहंदी बिंदी रोली मोली सारा सुहाग का सामान लाना, बेस भी लाना। नंद ने कहा एक एक करके सारा सामान ला दिया। कार्तिक की करवा चौथ आई, करवा ले दिन में चांद उगानी करवा ले, भूख भूखी करवा ले, माता भी मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे। और ये कहकर उसने माता के पैर पकड़ लिए, छोड़ पापी मेरे पाँव, तू मेरे पाँव पकड़ने लायक नहीं है, माता आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा, तेरे पास जंगल में सुहाग की क्या चीजें हैं। वो बोली माता आप जो मांगो सभी है। माता बोली रोली मोली सठेली गठेली पताशा गेहूं करवा जलेबी ला, उसने सभी चीजें निकाल कर दे दी। माता बोली तुझे ज्ञान कहाँ से आया, हे माता मुझे जंगल में ये ज्ञान कौन देगा, सारा ज्ञान आपने ही दिया है। माता ने सारी सुहाग की चीजों को घोल कर खींचा दिया, उसका पति अकड़ कर बैठ गया और जाते हुए माता ने झोपड़ी पे लात मारी तो महल मंदिर बन गए। सुबह नंद खाना देने आई, बोली मेरी भाई भाभी कहाँ गए। भाभी ने ऊपर से आवाज लगाई नंद की आओ हम तो यहाँ बैठे हैं। नंद ने पूछा भाभी ये सब कैसे हुआ। भाभी बोली रात को चौथ माता आई थी वही ये करके गई है। जाओ नंद माता जी से बोलो कि पुरानी चौथ का उजवाओ और नई घड़ाओ, हमें गीत गाते हुए लेने आओ। नंद माँ को जाकर बोली माँ भाभी ने तो भाई को जिंदा करवा दिया। और भाभी बोली ये उस गीत गाते हुए लेने चलो। सासू गीत गाते हुए बहू को लेने आओ। बहू सास के पैरों पड़ी, सासू बहू के पैरों पड़ी, दोनों एक दूसरे को कहने लगी आपके भाग्य से ही सही हुए हैं। सासू बोली बहू घर चलो। चौथ माता उजरना करके सास बहू बेटे को घर लेकर आई और सारी नगरी में खेलवा दिया। पति की पत्नी बेटे की माँ 12 महीने की 13 नहीं तो 4 या 2 तो हर कोई करना, जिसके कोई नहीं हो वो अपने दीदे घोड़े की करना। जैसे माता मैं साहूकार की बेटी को सुहाग दिया है वैसे माता सबको देना, कहने सुनने वाले का।
आरती अब यहाँ पे आरती शुरू होगी, सब लोग आरती गाएंगे। उसके बाद में पूजा पूरी हुई, सब बड़ों के सब बड़ों से आशीर्वाद लेंगे, उनके पांव छुएंगे। जिनकी जिठानी है, जिनकी सासू माँ हैं, सब बड़ों से, अपने से जो बड़े हैं, सबके पैर छुएंगे, आशीर्वाद लेंगे। बस आरती ख़त्म होने के बाद आरती, क्योंकि साइड में वीडियो भी लगाई गई है, आरती गा रही है, इसलिए उसमें कॉपीराइट लग सकता है, इसलिए मैंने नहीं डाला है। और यहाँ पे अभी आरती हो रही है। चौथ माता के दर्शन भी कर लो आप लोग, पूजा हमारी पूरी हो गई है। ये देखो, और ये देखो दादी पोती का प्यार पर दादी चलो आंटी नमस्ते बाय, तभी नहीं आए थे शायद आप। चलो ठीक है, नमस्ते। हाँ, तो चाची के तो बड़ा मैं बहुत याद किया मैंने, उनकी बेटी लगातार रोए जा रहे हैं। हाँ वही मैं याद कर रही थी, वो पूरी आरती खुद से गाती थी पूरा। सभी बाहर फोटो खींच रहे हैं, अभी बस चल रहे हैं मम्मी। वो बात करने लगी ना मम्मी दादी। हाँ वो ना, हम लोग पूजा पूरी हो गई है, हम सभी हुआ कनेक्ट। दिया था तो मैं सबसे नमस्ते बोल दूं, बाय बोल दूं, तब निकलूं। भाभी बाय बाय बाय, मैं कहूँ आपसे बाय बोलने आ गई, ठीक है। हेलो, ठीक है भाभी बाय। हाँ जी, आप बोल रही हैं, आप डाल देना पिक्स विक्स है ना। ओहो अच्छा, रवि कहाँ है? एक सेकंड देखती हूँ। रवि आ जाओ, अभी पूजा करके आ गए। अब स्वाति अर्घ देने, सूर्य डूबने वाले इसलिए अर्घ देने जा रही, मैं भी चलूँ फटाफट अर्घ दे लूँ, फिर हम लोग मिलते हैं। चाबी गुड्डा चंदा मामा को जल्दी आई क्यों रात में पूजा करने? जल्दी आई क्यों? तू पे गई नहीं थी जब, तो कह रहा था कि ले कितनी देर लगेगी। आ गई वो तो मम्मी, मम्मी पिज्जा खाना है। क्यों भाई पिज्जा खाना है? रुक जाओ बेटा, तो जल ले ली जरा सा। हाँ जरा गुड्डे लो दिखा दो, मैं सूर्य भगवान का वो जल वो कर दो। हाय एवरीवन, कोई नहीं। Oh, I'm sorry. उधर हो गए, जय भगवान, जय शिव। उधर लालिमा दिख रही है छत पे, चलो चलो मना। वो देखो लालिमा दिख रहे हैं इसमें, ये पेड़ उसके पीछे छुप गए ना घर के। चले छत पे, चलो चलो।
We going to the chair. Let's go. वो बिल्डिंग में ऐसे क्यों चमक रहा है मम्मी? इस बिल्डिंग में ऐसे क्यों चमक रहा है? देखो वो सूरज की रोशनी। धूप उनकी है, देखो अभी जा रही है। थोड़ा दुपट्टा आगे खींच लो, आगे से खींच लो। कहीं नहीं, बस लाल में दिख रहा है। नहीं, बस लाल लाल दिख रहा है। अब तो और कम हो गए, लाल में दिख रही है। पापा को दिखा दो। धन्यवाद धन्यवाद। हम ढोलक बजाएगा ढिंगल कल पुडिंग। तो आके सबसे पहले इतना बड़ा गिलास पानी। आराम आराम से पी लेती हूँ मैं, फिर कुछ खा के। इसी के साथ ही आज का ब्लॉग भी यहीं पिंड करते हैं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट नए कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा, आज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है या जो नए हैं तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। हैप्पी करवा चौथ।